आखिर क्या है वैक्सीन के डोज के सेक्स रेशियो? क्या हर जगह यह स्त्री और पुरुष के आम लिंगानुपात से बेहतर है? यह स्त्रियां यहां भी पीछे हैं? आइए हम आपको बताते हैं। भारत में अब तक 158 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। इसमें पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर तीनों का आंकड़ा शामिल है। इस वक्त भारत में स्त्री और पुरुष के राष्ट्रीय अनुपात के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर 933 स्त्रियां पर कोविड टीके लगाए गए। कोविड टीके के अनुपात को देखा जाए तो पुरुषों को लगे हर 1000 वैक्सीन डोज पर लगभग 954 डोज स्त्रियों को लगाए गए। वैक्सीनेशन का यह अनुपात उत्साहित करने वाला है, पर यही चीज महानगरों के परिपेक्ष में देखी जाए तो लिंग अनुपात के साथ वैक्सीनेशन का लिंगानुपात भी बिगड़ा हुआ नजर आएगा। उदाहरण के लिए देश के दो सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई के आंकड़ों को देखा जाए तो मुंबई में पुरुषों को लगे 1000 डोज के मुकाबले स्त्रियों को केवल 694 डोज ही लगे हैं। शहर का आम लिंगानुपात तकरीबन प्रति 1000 पुरुष पर 832 स्त्रियों का है। कोविन पोर्टल से मिले डेटा के हिसाब से वैक्सीन लगाने का सेक्स रेशियो इससे भी कम है। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 9 जगहों पर स्त्रियों को लगे कोविड वैक्सीन का अनुपात पुरुषों से बेहतर है। इन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। उत्तर प्रदेश जहां सबसे अधिक वैक्सीन लगाया गया है वहां यह अनुपात आम सेक्स रेशियो से तो बेहतर है पर पुरुषों की तुलना में कम है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों को अगर 1000 डोज लगाए गए हैं तो स्त्रियों को 936 डोज लगे हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोविड वैक्सीन डोज के इस बिगड़े हुए अनुपात की वजह पुरुषों के स्वास्थ्य को महिला के स्वास्थ्य के ऊपर प्राथमिकता देने की मानसिकता है। यह समाज में मौजूद गहरे लैंगिक भेदभाव को भी प्रदर्शित करता है। इस पर बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस अनुपात के पीछे की एक वजह भिन्न कार्यालय द्वारा वैक्सीन को कंपलसरी करना भी हो सकता है। चूंकि काम करने वाले पुरुषों की संख्या अधिक है इसलिए शायद अधिक पुरुषों को वैक्सीन लगाया गया है। हालांकि सरकार निरंतर वैक्सीनेशन कैंप लगवा रही है ताकि अधिक से अधिक स्त्रियों और पुरुषों को वैक्सीन के डोज दिए जा सकें।